अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह का करम होगा आपके ऊपर। आज का व्लॉग बारिश में स्टार्ट करूँ, बड़े मज़े का मौसम हुआ है। रात को गर्मी थी पर अभी बारिश का मौसम हुआ है, बारिश लगी हुई है काफ़ी ऊपर देख सकते हैं। और अबू गए हैं छत पे, अबू और अम्मी वहाँ पर पैकिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि जाने की तैयारी दिन बहुत करीब है। छत पर जाते हैं, देखते हैं क्या क्यूटी, आप मौसम भी वहाँ से दिखाऊँगा, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, चले हमारे साथ। ये हरीम को भी देख रहे हैं, हरीम ये गंजा का हो गया, हरीम का ये देखेंगे गंजा हो गया, ये गंजा हो गया, रीम का छोटा सा गंजा हो गया। किधर हैर, किधर गए हैर, किधर गए, चले गए, बारिश है, बारिश है, बारिश है। छत पे पैकिंग हो रही है, तंदूर जो हमने लिया था उसको पैक कर रहे हैं, रस्सी से अबू बांध रहे हैं, पर अबू से बंद नहीं हो रहा। हाँ अबू से बंद हो रहा है, ये तोलने के लिए हमने मशीन रखी हुई है कि वजन कितना, 23 kg SNL में लेके जा सकते हैं, तो उस हिसाब से अब पैक कर रहे हैं और तंदूर को पैक अच्छी तरह करेंगे, क्योंकि इसका इसका सर्कुलर में ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है। मौसम देखें कितने मज़ेदार हुआ हुआ है, बादल कितने मज़ा कर रहे हैं, पहाड़ों पे काफ़ी खूबसूरत, और ये जगह जी सही मज़ेदार बारिश लगी हुई है और काफ़ी और तेज़ लगने वाली, जिस तरह बादल आए हैं काले, तो चारों तरफ देखें मज़ेदार मौसम है। हरीम भी खड़ी हुई है छुपके, बारिश है, बारिश। ये अभी उंगली रखनी हुई थी तंदूर को फिट करते करते, और ज़रा उसके ज़रा किनारे तेज़ थे जिससे उंगली सारी मेरी कट गई, तो अभी यहाँ बल्दी लगा के पट्टी वगैरह की है। हरीम भी अपनी पैकिंग में हिस्सा डाल रही है कि इसको इस तरह पैक करें, और नाना अबू आ गए हरीम के, और अब सामान पूरा हो गया या कोई एक्स्ट्रा भी हुआ है? हाँ फिलहाल समझ नहीं आ रही। हाँ गंजे गंजे, हरीम बचने के लिए अपने गंजे के ऊपर ये गत्ता रख रही है, मेरे ऊपर भी कर रही है, अपने ऊपर करो, बारिश लगी हुई है देखें ऊपर, तो ये अपने आप को सेव कर रही है, बारिश है हरीम, हाँ बारिश है। हमारे घर की अकलौती चरपाई जो छत के ऊपर पड़ी हुई है, पहले बहुत चरपाइयाँ थी पर वो ख़राब हो गई, किसी को दे दी हैं, तो फिलहाल आकर होती चरपाई बेचारी यहाँ पड़ी हुई है। मिट्टी घर देखें, ये मैं मनसेरे से लाया था, काफ़ी खूबसूरत है और अब तो ख़राब हो चुका है इसकी हालत, पर बहुत अरसे पहले लाया था। खैर तो तुम्हें दसा थे, ये देखिए मछियाकारी पकड़ी गई, मछियाकारी थी ये मछियाकारी रही है। अब इस तंदूर को हमने उठा के इसके ऊपर रखने, देखने ये 23 kg फुल वजन है, ये ज़्यादा हो गया हमसे, तो उठाते हैं अभी। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजन चेक करते हैं इसका कितना है। ये 23 kg फिक्स है, मतलब 50-70 ग्राम इतना है, इतना ठीक है ना वो, इतना ठीक है। मेरी ऑफिस चेयर है पुरानी, और ये मैंने नई ली हुई है, आगे मैं टेक्नोलॉजी की वीडियोस बनाऊंगा, यहाँ पे सेटअप मैंने कर लिया सारा, तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद यहाँ पे स्टार्ट होगा सेटअप मेरा, और फिर आप देखेंगे आपको बताऊंगा। ये कपड़े हैं सारे जो सिलाई वगैरह कराए हैं, और ये मदद कर रही है कि अब दे रही है। हाँ अब दे नहीं रहे, चाहो पहले सोचाओ, हरीम हेल्प कर रही है, नाना अबू जी लेकिन हरीम ही हेल्प कर रही है, शहजादी हेल्प कर रही है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बोर हो रहा हूँ, सोचा इंस्टाग्राम ही यूज कर लूँ थोड़ा सा, और फेसबुक तो लैपटॉप में मेरी पता क्यों नहीं खोली, कोई प्रॉब्लम दे रही है, पासवर्ड आप पता क्या हो गया, चलो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं थोड़ा सा। मौसम मज़ेदार हुआ हुआ है, इसमें अगर चाय मिल जाए तो मज़ेदार काम हो जाएगा। अभी आपकी कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा हूँ और उनको रिप्लाई कर रहा हूँ, मैं आपका हर कमेंट पढ़ता होता हूँ और रिप्लाई कभी जल्दी देर हो जाती बीच में, अभी कमेंट पढ़ता हूँ आप सबको यहाँ पर रिप्लाई करता हूँ।
ये अरीम ठूसी को तंग कर रही है, इसको मच्छा कर रही है। अरीम को, अरीम मच्छा क्यों कर रही हो, क्यों ठूसी को तंग कर रही हो? हाँ आ जाओ इधर आओ इधर आओ। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, थम अप, थम 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 करो ना, थम अप। जैसा कि आपको बता चुका हूँ, बारिश लगी है और बारिश में अगर गर्मा गर्म पकौड़े आ जाएं, ये देखेंगे तो उसका अपना ही मज़ा है। तो दिखाते हैं, ये देखें पकौड़े बन रहे हैं किचन में। मुझे पता नहीं था, दिल में ख्वाहिश थी कि बारिश में पकौड़े हों, तो ये देखें तैयार हो रहे हैं। हम खाएंगे एक टेस्ट के लिए, अभी आया है तो उसको खाते हैं। आप भी खाएँ। तो बारिश में ये पकौड़े बड़ा मज़ा करते हैं, लगी हुई है बारिश ठंडी ठंडी। अभी बारिश सही तेज़ हो गई है और अब बारिश में घूम रहे हैं सैन में। कैसे बहन जी अबू आला अबू एंजॉय करें बारिश में, छतरी छतरी ढाक एंजॉय करो ना अबू। बारिश काफी तेज लगी हुई है, देख सकते हैं मजेदार बारिश लगी है। जुलनी बा जुलनी है, जुलनी है। गली में पानी पानी हो गया, देखें सैलाब आ गया है गली में। यहाँ भी देखें वो सारा, वो गली पानी पानी हो गई है। आगे भी चेक करें और बारिश काफ़ी तेज़ लगी हुई है। अब एंजॉय कर रहे हैं साथ, बस को खोलते हैं। ये क्यों बंद हो गई अबू? ये एक बंद उसी सारे बेचू बंद हो गए। आ रहा चलो मैं देखना। तो करंडी आ गई, करंडी ये सामने आ गई, टैंकी के चाहिए। अब को देता हूँ ये चीज़ से साफ करते हैं, तो पानी रुका हुआ है तो पानी रुकना नहीं चाहिए। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और गर्मियों के ये चीज़ें आ गई हैं। आप अपर्दू में नाम कमेंट करें और ये तो गिफ्ट देती है, इतने मज़े का इंसान गिफ्ट लगता है। कहते हैं अबू बंदे को सेहतमंद करती हैं। हम निशाना लगाते हैं, ये हाथ में मोबाइल है, अल्लाह खैर करे। और इस तरह वो चप्पल के ऊपर आ गई, ये शहीद हो गई, शहीद हो गई। चलो जी मिशन कामयाब हो गया। गर्मा गर्म चाय भी आ गई है और बाहर बारिश का मौसम हुआ है, बारिश काफी हद तक हुई है, उसमें ये चाय मजेदार। साथ कड़क चाय हो उसका अपना ही मजा है। और मौसम ये देखें और साथ ये चाय, वाह। चाय पियोगी? चाय चाय पियोगी? पी लो ना, ले लो, पी लो ना, पी लो। अभी दुकान तक जाता हूँ, बारिश थोड़ी रुकी है तो बंद वगैरह लाने हैं, जो कहते हैं बंद ही ब्रेड ही कहते हैं, ब्रेड लेने जा रहा हूँ। तो देख सकते हैं गलियाँ हमारी बारिश के बाद कैसी गीली हुई हैं और काफ़ी अच्छी भी लग रही हैं, थोड़ी ठंडक ठंडक भी हो गई है। और तो गर्मियों में अपना ही मज़ा है जी, ठंडक हो जाए, मज़ेदार मौसम हो जाए। देख सकते हैं नालियों में गार्डन लगा हुआ है, क्या सब्जा बाहर के मौसम में, नालियों में साइडों पे भी निकला है सारा घास वगैरह। अभी ज़रा हालत मेरी ख़राब हुई हुई, कहीं छिंग नहीं मारी, वैसे ही निकल आया हूँ और बंद वगैरह ले ली है। और बस यही बातें, कोई आज कल एक ट्रेड नहीं थी, कोई बारिश थी, इतना बाहर किधर भी नहीं गया। हाँ घर में ही ब्लॉग बनाया है, तो बस इस तरह जो रूटीन ब्लॉग होगा साथ साथ चलता रहेगा। अभी रात का टाइम है और हम जा रहे हैं जलेबी, क्योंकि बारिश का मौसम था, जलेबी खाने का दिल हो गया। अच्छा मैं बाजार आ गए, जाते हैं देखते हैं हमें ताज़ी ताज़ी जलेबी मिलती कि नहीं, वो खाते हैं। नज़र तो आ रही है कि आज बारिश का मौसम है, इस टाइम पे वैसे नहीं मिलती, पर बारिश का मौसम हो तो अक्सर गर्मा गर्म मिल जाती है। गर्मा गर्म जलेबी बन रही है ज़बरदस्त किस्म की, मज़ेदार। बारिश का मौसम हो ठंडा मौसम हो, उसमें जलेबी बहुत मज़ा करती है। अभी 100 रुपये की जलेबी पैक करा रहे हैं, बिल्कुल ताज़ी बनी हुई है। और इस मौसम में जलेबी खाने का अपना ही मज़ा है। और गाजी बाज़ार में इस टाइम खड़े हुए हैं और सामने ये सारा फूड स्ट्रीट है गाजी का। अच्छा तुम्हें लेना है? और अभी चाट खाने का मूड हो गया तो पूछते हैं चाट अवेलेबल है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, चाट है? आला कितने की प्लेट है? सिंगल चार ही, डबल चार। आला ते इधर पैसा फैमिली जगह ठीक है, ते एक ही मीठी चटनी पावी या किन्ना पावी? सिंगल
सिंगल तो आगे बैठते हैं यहाँ पे। और अभी रिमशा और मैं चाट खाने आए हुए हैं, रिमशा पत्नी क्या चेक करने में लगी हुई है। तो यहाँ की प्लेट मशहूर है, जिसको प्लेट कहते हैं इसमें समोसा चाट कहते हैं हम, उसको यहाँ पे प्लेट के नाम से जाना जाता है। तो हम प्लेट खाएंगे, अभी चना चाट प्लेट आ चुकी है, चना चाट नहीं कहेंगे इसको, समोसा चाट कहेंगे। और रिमशा ने अब मीठी चटनी अपने डाली थी, मैं मीठी चटनी डालूँगी, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो अभी गर्म गर्म जलेबी भी कभी का एक टेस्ट करेंगे, उनसे मंगाई है। तो चलिए शुरू करें रिमशा, बिस्मिल्लाह करो। अभी चाट वगैरह खाया है और जलेबी भी थोड़ी टेस्ट की है, थोड़ी सी घर में पैक करवाई घर लेके जाने के लिए। तो अब घर की तरफ जा रहे हैं, पीछे गाजी का बाजार है और आगे समंदर आया हुआ है पीछे देखें। और यहाँ से देखते हैं साफ से रास्ते से पार होते हैं, रिमशा देख के देखें कितना सारा सैलाब जमा हुआ है, यहाँ पे नाला जमा हुआ है। ये बारिश के बाद हमारे शहर के हालात, छोटा सा शहर है, शहर नहीं है आप जो भी कह सकते हैं, तहसील गाजी है। तो देख के रिमशा अभी स्लिप ना हो जाना, तो घर की तरफ जाते हैं वॉक करते हुए, इससे थोड़ी वॉक भी हो जाएगी और थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे। ट्यूशन वाले बच्चे भी छुट्टी करके घर की तरफ जा रहे हैं। ट्यूशन में ये बड़ा मुश्किल काम होता है, स्कूल के बाद इंसान ट्यूशन जाए, बड़ा दिल नहीं करता। बचपन में सबसे बुरी जो चीज़ लगती है स्कूल के बाद ट्यूशन जाना, क्यों रिमशा? इस तरह से अपने गांव खालों में पहुँचे हैं पैदल वॉक करके। तो सामने से हरीम के लिए दूध लेंगे, फिर वापसी करेंगे, क्यों रिमशा? तो जाते हैं वापसी की तरफ। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ पे ही एंड कर रहा हूँ। बस काफ़ी सिंपल सा व्लॉग था, डेली रूटीन का जो एक्टिविटी जो मैं हुई थी मैं आपको बताई। तो मौसम भी काफ़ी खुशगवार हुआ है, और अगर आपकी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक करें और बताएं कमेंट में कैसी लगी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।